अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक हैं, मज़े में हैं और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप सब लोग सुनाएं, कैसा आपका क्वारंटाइन जा रहा है? अपने अपने घरों में है और घरों में रहें, कोरोना से डरना नहीं, लास्ट टाइम की तरह इंशाल्लाह हमने लड़ना है। और जैसा कि नबी आज की इस वीडियो का छोटा सा मकसद ही है, हमने टाइटल तो जैसे देख ही लिया है, तो पाकिस्तान में तमाम उलमा ने ये कहा है कि फतवन का मुतफिका के तमाम लोग अपने अपने घरों में जो है रोज़ाना रात 10 बजे अजान दें, 12 दिन तक अजान दें। क्योंकि नबी पाक सल्लम की एक हदीसे पाक, उसका मफहूम है कि जब भी किसी बंदे को परेशानी पेश हो तो वो अजान दे, तो अजान की बरकत से अल्लाह ताला जो है वो परेशानी को दूर फरमा देता है। और अभी मैं कुछ दिन पहले अभी मराकेश की वीडियो आप लोग अक्सर लोगों ने देखी होगी, वायरल थी यूट्यूब पर भी, और मराकेश में लोग इसी कोरोना वायरस के सिलसिले में जो अजानें दे रहे हैं इकट्ठे, माशाल्लाह से बड़ा रूप और समंदर था। तो अलहमदिल्ला पाकिस्तान में भी ये मंजर जो है अभी देखने को मिला कल, कि आप लोगों ने काफी लोगों ने देखा हो, कल फर्स्ट डे था और आज सेकंड डे, उलमा ने फरमाया कि 12 दिन तक जो है अजान दी जाए अपने अपने घरों में। तो आप लोगों को भी दावत है, आप जिन लोगों ने जो तो दे रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं दी अभी तक अजान तो काइंडली आप वीडियो देखने के बाद कल भी दें, आज से 12 दिन तक जो है रोजाना दें। और अल्लाह ताला की जात से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस अजान की बरकत से, जब इतने लोग अजान दे रहे हैं उनमें अल्लाह के कितने नेक लोग होंगे, किसकी पुकार अल्लाह को याद आ जाएगी। और अजान में है कि अजान में अल्लाह को हमने याद करना है, उसके नबी पाक सल्लम की, नबी पाक सल्लम की नबूवत की हमने गवाही देनी है, अल्लाह ताला के वादा उला शरीक होने की गवाही देनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है किस नेक बंदे की अजान की बरकत से अल्लाह ताला पाकिस्तान जिस परेशानी को दूर फरमा दे। और बाकी ये है कि आप सब लोग सुनाए, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? घरों में है, क्वारंटीन आपका कैसा जा रहा है? और घरों में रहें और अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करें, क्योंकि ये जितनी परेशानियां हैं एज अ मुस्लिम हमारा यकीन है, ईमान है, कोई भी परेशानी है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर इम्तिहान है, इंसान के ऊपर, बंदे के ऊपर। और इस परेशानी में हम कोशिश करें अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करें, नवाफिल पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ठीक है। और बाकी आप सबको शाबान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, शाबान का चांद माशाल्लाह से नजर आ चुका है, और अब कल आप वीडियो देखें तो कल माशाल्लाह से यकम होगी रमजान की, शाबान की यकम होगी। और नबी पाक का फरमान है कि शाबान जो है वो मेरा महीना है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी नियत करता हूँ कि इस शाबान के महीने में हम ज्यादा से ज्यादा दुरूदे पाक पढ़ें। और इस वीडियो बनाने की नीयत सिर्फ यही एक छोटी सी है कि एक नेकी का काम है, जब हम दुनिया के सारे काम आप लोगों को दिखाते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, तो इस नेकी को भी शेयर करने, क्या पता कोई भी इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह नेकी का काम करे, उसकी नेकी करने की वजह से अल्लाह ताला उससे राजी हो और हमसे ये जो वबा है, ये बला है, ये इंशाल्लाह टल जाए। तो चले अभी बस टाइम होने वाला, अभी 10:50 तकरीबन 9:50 हो चुके हैं और 10 बजे अजान होगी। अभी टेरिस पे आ चुका हूँ और माशाल्लाह से अभी अजानों का सिलसिला शुरू हो गया और 10 बज चुके हैं, और चलें फिर करते हैं शुरू अजान को। और अजान आप लोगों से भी अजान दे के दुआ भी मांगे कि अल्लाह ताला इस अजान के बरकत से इस परेशानी को हमसे जल्द से जल्द दूर कर दे। नूर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو اهله، اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے مالک و مولا، اس اذان کے برکت سے مولا ہم سے اس پریشانی کو دور فرما، پاکستان سے کرونا وائرس کو ختم فرما دے. اے مالک و مولا، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، تمام دیکھنے والوں کو مولا اس پریشانی سے دور فرما، مولا سب کو اس وائرس سے بچا، مولا جس مرض میں مبتلا ہو گیا سب کو اپنے محبوب کے صدقہ سے اس اذان کے برکت سے شفائے کو عطا فرما. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا خوب آتا ہے، بن مانگے عطا فرما. و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی انہوں رشید نتی فرش محمد و علیہ وسلم. باقی یہ جی ابھی اذانیں ماشاءاللہ سے ہو رہی ہیں اور ابھی آپ کو آواز آپ سن بھی رہے ہیں، جیسے مختلف مساجد میں بھی ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں بھی دے رہے ہیں اذانیں. ماشاء اللہ سے ہر مساجد میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں بھی دے رہے ہیں، تو مساجد کے اذانیں کو آواز تو آپ ماشاء اللہ سے سن رہے ہیں. جیسے اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان